परिवार में से हूं जी, मैं देखूं भी ना सकूं इसकी। इधर सुन रहे हैं यार, ये मेरे भी जिंदगी से कितना बड़ा डाल है मनु। क्या जनाब आप सिर हो रही है, ये चीज अंदर लेना। वहाँ भी आपने कहा था पिछड़ जा पिछड़ जा, क्या ये टैब गिर जा और ऊपर तक ऊपर आराम से पकड़ो इसके टायर और पटरी में। इधर इसके इसके परिवार का है भाई कोई और है ना, अभी करते हैं खड़ा है। इसके परिवार का भाई है, उसके डैडी का है, उसका चाचा ही परिवार का है। दो आदमी बैठ दो, ले ले चौकरन ले ले, इसमें दो बैठ दो, बैठे बैठे बैठ जा बैठ जा, कोई बात नहीं बैठ जा, बैठे कोई बात नहीं भाई। अब ये टायर लगा दो, टायर देख के लाइक कर जाएगी। राजीव कौन मिला है, कौन मिला है? ये क्या नाम है, सुलेमान। क्या नाम है उनका? सुलेमान मिला है। कहाँ से ढूंढा है ये? सर जा रहे थे यहाँ से बेचारे, इन्होंने पकड़ के। हम जा रहे थे शादी में, अपना शादी अटेंड कर रहे हैं, तो भैया मिले हमें रस्ते में कि ऐसे करके डेड बॉडी पड़ी है। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल की कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, तो ये भैया आए, तो ये भी सारे आ गए। इन्होंने मतलब चलो किसी की मिट्टी टिकाने लग जाए। हम किनारे पे थी ये किनारे पे जा रही थी। अच्छा। तो एक भैया थे वो गाय चला रहे थे भैंस अपनी, उन्होंने पकड़ के साइड में लगा ली। आपको ये सूचना कब मिली थी? हम यहाँ से जा रहे थे। अच्छा, यहाँ से जा रहे थे शादी में। राजीव कितनी अभी तक बॉडी रिकवर हुई है पास में से? सर तीन मिल चुके हैं सर, अभी दो भर रह गए हैं। क्या कुछ लगता है शाम तक हो पाएगा? काम कोशिश पूरी है, हमारी सारी टीम है, जितने भाई साहब आए हैं बाहर से, हमारी अपनी भी टीम है, लगी पड़ी है, कोशिश ये करेंगे शाम तक डेड बॉडियां दो जो सी रह गए वो भी मिल जाए। यानी कि 25 घंटे में मिली है बॉडी। ये बेचारे का भाई का बहुत धन्यवाद, जिसने बेचारे ने बहुत मदद कराई हमारे भाई ने। उसके बाद निकाल के फिलहाल देख सकते हैं 112 की टीमें जो यहाँ पर 112 पे इन भाई ने फोन किया था, उसके बाद जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत जो है देख सकते हैं तस्वीरों में एकदम से जो सुलेमान बताया जा रहा है जो उन पांच व्यक्तियों के बीच में से था उनको जो है ढूंढ लिया गया है। तीन अभी तक रिकवर हो पाए हैं, रिकवर कर लिए गए हैं, उनको जो है उनके शव जो है बरामद कर लिए गए हैं। अब एम्बुलेंस यहां पर मौके पर पहुंची है और एम्बुलेंस जो है अब यहां से जो है अब लेकर जाया जाएगा, शव गृह में लेकर जाएगा। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीमें भी आप देख सकते हैं तमाम यहां पर पहुंची है, सुबह से लगातार प्रयास करती नजर आ रही है कि तो देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें यहां पर लगी हुई है, लगातार सुबह से एनडीआरएफ की टीमें भी यहां पर लगी हुई है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। पांच व्यक्ति कल जो है अज्ञात व्यक्ति द्वारा, कुछ व्यक्ति जो नहा रहे होते हैं, दस के व्यक्ति करीब नहा रहे होते हैं, तो तुरंत उन पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर दिया जाता है किसी पुरानी रंजिश करके। तो जैसे ही उन पर हमला होता है तो वो पानी के बहाव में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं लापता हो जाते हैं। तीन व्यक्ति जो है अभी तक जो है, अभी सुलेमान बताया जा रहा है नाम, सुलेमान को जो है उसकी डेड बॉडी को जो है रिकवर कर लिया गया है, जो उसकी डेड बॉडी को अब एम्बुलेंस द्वारा शव गृह मतलब कि शव गृह मोर्चरी हाउस लेकर जाया जाएगा। देख सकते हैं सुबह से लगातार जो गोताखोर प्रकट सिंह है और साथ ही साथ राजीव गोताखोर व अन्य एनडीआरएफ की टीमें जो है लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। क्या कहेंगे प्रकट जी, कितना प्रयास और करना पड़ेगा? तीन तो हो चुके हैं, दो और रह गए हैं। जी सर बिल्कुल, लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है सारी टीमों का, और कल से अब तक तीन लाशें मिल चुकी हैं, दो बॉडियाँ अभी और नहर के अंदर है, आज इनको लेकर हम सर्च करेंगे। और टीम गोताखोर प्रकट सिंह पिछले लंबे समय से ये सेवा करती है और आगे भी करती रहेगी। सर क्या कहेंगे, जो दो लोग और रह चुके हैं वो कब तक, क्या वो उसी रेंज में है या जैसे ये डेड बॉडी मिली? सर पानी के बहाव के मुताबिक हो सकता है, अब यहाँ से आगे बोटे बाड़ी जाएं और जहाँ तक होगा सर्च ये करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुंचे हुए थे गोताखोर प्रकट सिंह। कब तक राजीव जी, कब तक मिल पाएगी दो डेड बॉडी? देख लो कोशिश जारी है जी, हम कोशिश ये कर रहे हैं शाम दे तक मिल जाए डेड बॉडी। क्या हो सकता है डेड बॉडी आगे निकल गई हो? ये कह नहीं सकते कुछ, वैसे मेरे अंदाजे से आगे निकल चुकी है डेड बॉडी, ये थोड़ी देर तक यहीं कहीं मिल सकती है। शाम तक उनका भी चांस बनता है, दोनों का शाम तक अभी 6 से 7 बजे के आर्टिकल में उनका चांस बनता है, तो हम लोग कोशिश तो लगे रहेंगे, अब यहाँ से जाएंगे नहीं कि जो अभी डेड बॉडी फुली तो नहीं होगी? नहीं नहीं, अभी जो आज उठेगी सारी नॉर्मल उठेगी, उनमें कोई फुली होगा नहीं होगा। तो देख सकते हैं अभी लगातार एनडीआरएफ की टीमें जो है लगातार
सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। 3 डेड बॉडीज जो है मिल चुकी है और उसके बाद देख सकते हैं प्राइवेट गोताखोर के साथ मिलकर जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कल 5 व्यक्ति जो है लापता हो जाते हैं, उन पर कुछ व्यक्ति द्वारा हमला कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से एक और जो है शव जो है बरामद कर लिया जाता है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो डायल 112 से कृष्ण सब इंस्पेक्टर जी हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। कृष्ण चंद जी, सर कैसे सूचना मिली थी इसके बारे में, क्या फ़ोन आया था कोई? 112 पर डायल आया था, नंबर आया था हमारे पास जी, उससे हमने संपर्क किया भी कहां पर आए, उन्होंने बोला कि नया गाँव। क्या शिनाख्त है, किसकी है सर? सुलेमान सुलेमान की, पुत्र इब्राहिम। सर अभी तक कितनी हुई है आपको उसके बारे में जानकारी? ये तो मुझे नहीं पता है, सचों को पता होगा। तो देख सकते हैं तस्वीरें, कृष्ण चंद जी थे जिन्होंने बताया था, सुलेमान जो है उनकी यहाँ से डेड बॉडी, राहगीर चलते हुए को डेड बॉडी दिखाई दी, तो एकदम से जैसे ही 112 पर सूचना मिली, 112 मौके पर पहुंची तो तुरंत जो है बॉडी को जो है सीधा मोर्चरी हाउस लेकर जाया गया। यहाँ पर तमाम NDRF की टीमें यहाँ मौके पर पहुंची थी और साथ ही साथ गोताखोर प्रकट सिंह और गोताखोर राजीव यहाँ पर पहुंचे थे। देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम पुलिस यहाँ पर खड़ी है, काफ़ी दुख का माहौल है क्योंकि 5 व्यक्ति जो है एकदम से अज्ञात युवक जो है उन पर हमला कर देते हैं और वो नदी के बहाव में जो है कहीं ना कहीं लापता हो जाते थे, जिसमें से 3 व्यक्ति जो है अभी तक जो है शव ग्रह पहुँचा दिए गए, उनको सर्च कर लिया गया था और उसके बाद लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो अब मुझे मोहित कर दीजिए इजाज़त, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।